हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। क्या है ये चैप्टर, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम पढ़ेंगे इसमें कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट की एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन, मोर स्पेसिफिकली कॉस्ट और वॉल्यूम का प्रॉफिट पर इफेक्ट। ठीक है, मींस कैसे इफेक्ट? कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस सेल, सेल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? या फिर हमें कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो हमारी सेल कितनी होगी? ठीक है, क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला समझाऊंगी स्टार्टिंग में, और एंड में आपको मैं ऑन टिप्स कैसे करने हैं फॉर्मूला ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन से चलते हैं। मान लीजिए हम एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पेन, वन पेन के ऊपर हम लेके चलते हैं। एक पेन के सेल प्राइस में, सेल प्राइस मान लेते हैं 10 रुपीज़। आपने देखा होगा एक पेन खरीद रहे हैं तो MRP 10 रुपीज़ पड़ी हुई है, तो सेल प्राइस अगर 10 है तो इस 10 में क्या क्या इंक्लूडेड है? आप बोलोगे मैम कुछ तो इसमें कॉस्ट होगी प्लस प्रॉफिट, ये 10 रुपये बन गए हमारे। तो कॉस्ट दो तरह की होती है, इतना हम जानते हैं, एक है हमारी फिक्स कॉस्ट और एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, बाकी बचा प्रॉफिट। ठीक, मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है हमारी 4, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 3, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3, 4 × 3 = 7, 3 = 10। ठीक, अब फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, जैसे रेंट, जैसे इंश्योरेंस, ठीक। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो हमारी वेरी होती है। फिक्स कॉस्ट हम कितनी भी यूनिट बनाएंगे ये चेंज नहीं होगी। रेंट, जैसे मान लीजिए आपने, आपकी फैक्ट्री है पेन बनाने की, अब आप उसमें पेन बनाएं या नहीं बनाएं, आपको रेंट देना पड़ेगा। आप उसमें एक पेन बनाएंगे तो भी रेंट देना पड़ेगा, आप उसमें 1000 पेन बनाएंगे तो भी रेंट देना पड़ेगा, आप उसमें 1,00,000 पेन बनाएंगे तो भी रेंट देना पड़ेगा, और उतना ही रेंट देना पड़ेगा। ठीक, एक बनाए या 1,00,000 पेन बनाए कोई फर्क नहीं आएगा, सेम इंश्योरेंस आपको पे करना ही पड़ेगा। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, कैसे वेरी करती है? हम एक यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की पे करनी पड़ेगी, हम 10 यूनिट बनाएंगे 10 यूनिट की पे करनी पड़ेगी, 20 यूनिट बनाएंगे 20 यूनिट की पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल, एक पेन बनाओगे तो एक पेन का ही मटेरियल यूज होगा ना। लेबर कॉस्ट, एक पेन बनाओगे तो लेबर को एक पेन का ही पे करोगे, दो पेन बनाएगी लेबर तो दो पेन का पे करोगे, तीन पेन, तीन पेन का, 1,00,000 पेन बनाएगी लेबर तो 1,00,000 पेन का पे करोगे, राइट? अच्छा, अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ध्यान रखोगे इसको, एक एग्जांपल देती हूँ, पेन का ही एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट। मान लेते हैं हम अभी बना रहे हैं 1 पेन, तो हमारा ये सेल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी पर चलते हैं, ठीक है। एक पेन है 10 रुपये का,
और फिक्स कॉस्ट हमारी मान लेते हैं, हम इसमें रेंट पे कर रहे हैं 100 का और लेबर पे कर रहे हैं 3 रुपया पर पेन, 3 रुपीज पर पेन, ठीक है। तो अब हम एक पेन बना रहे हैं, सिर्फ एक पेन बना रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो हमको फिर भी 100 ही देनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर कितनी देनी पड़ेगी? 3 रुपीज एक पेन बना रहे हैं तो। ठीक, अभी प्रॉफिट चेक करते हैं कितना हुआ। 100 + 3 - 10, ये आ जाएगा आपका -93। नेक्स्ट, मान लेते हैं हमने 20 पेन बनाना स्टार्ट किया। अभी हम यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एक पेन तो अभी भी सेल प्राइस उसका अभी भी कितना है, 10, ठीक है ना। पर फिक्स कॉस्ट जो एक पेन बियर कर रहा था, अब वो फिक्स कॉस्ट बियर करने के लिए 20 पेन आ गए। मीन्स पहले हम 100/1, मतलब 100 ही रहेगा, तो ये अकेला पेन बियर कर रहा था फिक्स कॉस्ट पूरी। अभी 100/20 हो गया, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो फिक्स कॉस्ट अब कितनी हो गई हमारी, 5 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक पेन की पहले भी 3 रुपए थी और अभी भी 3 रुपए ही रहेगी। लेबर को हम एक पेन बनाने के पहले भी 3 रुपए दे रहे थे और अभी भी हम उसको लेबर को पेन बनाने के 3 रुपए ही देंगे, ठीक है। पर इसका प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा। अभी हमारा प्रॉफिट 5 + 3 = 8 + 2 प्रॉफिट होने लगा। पहले जो लॉस हो रहा था अब वो प्रॉफिट हो गया। अब मान लेते हैं हमने बनाना स्टार्ट किया 100 यूनिट, 100 पेन। अब पर यूनिट पेन की बात करते हैं, तो अभी भी एक पेन तो 10 रुपए का ही बिकेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे फिल कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी एक पेन की 3 ही होगी, फिक्स कॉस्ट चेक करते हैं कितनी होगी। पहले जो 100 रुपीज को बियर करने के लिए एक पेन था, फिर 100 रुपीज को बियर करने 20 पेन आ गए, अब 100 रुपीज को बियर करने के लिए पूरे 100 पेन हैं, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 1। अभी हमारा प्रॉफिट हो गया 6। बात समझ आई? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी कर रही है, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरी नहीं कर रही, वो सेम है 3, 3, 3, ठीक है। अभी हम यहां पर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, तो वन पेन जब बनाया तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वन पेन जब बनाया तो फिक्स कॉस्ट 100 थी, वेरिएबल कॉस्ट 3 थी। ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, 20 पेन बनाए तो फिक्स कॉस्ट अभी भी, रेंट तो अभी भी हमको 100 रुपये देना पड़ रहा है, एक पेन बनाया था तभी भी 100 रुपये देना पड़ रहा है, 20 पेन बना रहे हैं तो भी रेंट 100 रुपये देना पड़ रहा है। पर वेरिएबल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट अब हमको 20 पेन की देनी पड़ेगी, ठीक है। एक पेन की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो 20 पेन की लेबर हमको पे करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी 60 रुपीज, राइट। अभी 100 पेन बनाएंगे तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट 100 ही रहेगी, रेंट अभी भी 100 ही देना पड़ रहा है, पर अब हमको वेरिएबल कॉस्ट या कहो लेबर कॉस्ट 300 पे करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं पेन का, ठीक। एक दो ब्लॉक्स बना रही हूँ। अभी मान लेते हैं हम एक पेन बना रहे हैं, एक पेन या एक पीस, ठीक है। तो सेल, सेम वही एग्जांपल ले रहे हैं हम पेन का, तो एक पेन का सेल प्राइस कितना रहेगा, 10, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज थी, अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें 3। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये कंट्रीब्यूशन,
इसको हम ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। ग्रॉस मार्जिन या फिर ये मोटा मोटी हमारा जो प्रॉफिट आया है ना, ये वो है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की 7, जो कि है कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 700 है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो बचेगा वो है हमारा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ हमारा बचेगा लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, करेक्ट। अभी मानते हैं हम यहाँ सेल कर रहे हैं 20 पेन। 20 पेन जब सेल करेंगे तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 20 × 10, एक पेन 10 रुपीज़ का है ना, तो ये हो जाएगा 200। 20 पेन जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी? ₹60। माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन कितना आया? 140, ठीक। फिक्स कॉस्ट अभी भी 700 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? ये आ गया -560। अब आप कहोगे मैम ये तो लॉस हो रहा है। वो पॉइंट कब आएगा? जब ये लॉस ना हो। मीन्स वो पॉइंट कब आएगा? जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। और वो जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है, हम उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, करेक्ट। तो वो पॉइंट कब आएगा? जब यहां पर इस जगह पर जीरो आ जाए। तो इस जगह पर जीरो पता है कब आएगा? जब इसके लिए कोई बराबर का आ जाए। हम इसमें से ही तो माइनस कर रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन, तो अगर इसके पास माइनस करने के लिए कुछ बराबर का आ गया, 700 के लिए 700 माइनस करने के लिए आ गया, तो ये जीरो हो जाएगा ना, करेक्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बनाते हैं। हमने भी क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाए। फिक्स कॉस्ट के बराबर क्या हो जाए? कंट्रीब्यूशन। तब हमको समझ में आ जाएगा ब्रेक इवन कितना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट अभी हमारी है। या फिर एक फॉर्मूला और बन सकता है, फिक्स कॉस्ट माइनस एस माइनस वी। एस माइनस वी मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अभी इसको एक सॉल्व करके देखते हैं। फिक्स कॉस्ट है अभी 700 और कंट्रीब्यूशन है 7, कितना आ गया? 100 यूनिट्स। यहां हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। इसी तरह से एस माइनस वी और कंट्रीब्यूशन एक ही बात है ना। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? 7 का मीनिंग है 10 − 3, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग है एस माइनस वी। तो ये हो गया आपका 700 / 10 − 3, तभी भी क्या आएगा? 100 यूनिट्स, ठीक है। मतलब अगर हम 100 यूनिट सेल करें तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए। चेक करते हैं अभी इसको। उससे पहले हम एक बार इसको रुपीज में भी निकाल के देखते हैं। ब्रेक इवन BEP को रुपीज में भी कैलकुलेट करके देखते हैं। रुपीज में कैलकुलेट करने के लिए क्या है? सिंपल, बस सेल प्राइस का इनटू कर देना है। कोई भी फॉर्मूला ले लो, बस उसमें सेल प्राइस का इनटू कर देना है, ठीक है। तो 700 / 10 − 3 × 10, तो ये आ गया आपका 1000 रुपीज, ठीक है। ओके, अब चेक करते हैं कि हम 100 पेन सेल करें तो हमारा जीरो आएगा या नहीं आएगा, BEP रहेगा या नहीं रहेगा। 100 पेन अगर सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस आपका हो जाएगा 1000। अच्छा देखो यहाँ पर 1000 रुपीज में आया ना, तो ये भी आ गया 1000, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? पर यूनिट कितनी थी? 3, तो 100 पेन के लिए हो जाएगी 300, ये आ गया आपका 700। फिक्स कॉस्ट हमारी 700 ही रहेगी, ये आ गया हमारा जीरो। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, अगर एक पेन और एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है या नहीं, या कितना आ रहा है, ठीक है।
सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? पर यूनिट 10 के हिसाब से 1010। वेरिएबल कॉस्ट 303, माइनस करके आएगा आपका 707। और यहाँ आपकी फिक्स कॉस्ट है 700, ये आ गया 7 का प्रॉफिट। क्लियर? तो अभी हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, राइट? अब इस प्रॉफिट से एक फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट का, ठीक है? डिजायर्ड प्रॉफिट कुछ नहीं है, सिंपल। अभी तक हम ट्राई कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, अभी हम ट्राई करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है? और कवर किससे करेंगे? अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? अभी चेक करते हैं ये सही आ रहा है या नहीं। कैसे? पहले रुपीज़ में निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट 700 प्लस 7, अगर हमने प्रॉफिट डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर हमने 7 रखा होता तो देखते हैं कितनी यूनिट हमको सेल करनी पड़ती। एस माइनस वी आपका रहेगा 10 माइनस 3 इंटू 10, ठीक है? तो यह आ जाएगा 707 अपॉन 7 इंटू 10, ये आ गया आपका 101, ठीक है? 1010, ये आ गया आपका रुपीज़ में हमको इतनी सेल करनी पड़ती, हमने यहाँ पर इतनी ही सेल की है, मतलब ये ठीक आ रहा है। और यूनिट्स में बात करें डिज़ायर्ड प्रॉफिट की, तो आता फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी इंटू एस नहीं करते, सॉरी इंटू एस नहीं करते, तो कितना रहता? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस माइनस वी, तो 700 प्लस 7 अपॉन 10 माइनस 3, ये अभी हो जाता हमारा 101 यूनिट्स, ठीक है? 101, देखो यहाँ यूनिट्स आ रही हैं और यहाँ पर 1010 सेल आ रही है। तो हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर हम 7 रखते तो हमको 1010 की सेल करनी पड़ती और हमको 101 यूनिट्स सेल करनी पड़ती, ठीक है? अमाउंट की, यहाँ अमाउंट आ गया और यहाँ पर यूनिट्स आ गई, ठीक? अच्छा, अब एक पॉइंट और ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो अभी हमने जितना भी फॉर्मूला सॉल्व किया है, ये हमने एक यूनिट को लेकर सॉल्व किया है, ठीक है? सेम फॉर्मूलाज हम ज़्यादा अमाउंट पर भी लगा सकते हैं, 20 पेन के अमाउंट पर भी लगा सकते हैं, 100 पेन के अमाउंट पर भी लगा सकते हैं, 101 पेन के अमाउंट पर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है? ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है आपका। पर यूनिट होगा तो बस यहाँ पर जो फॉर्मूलाज होंगे वहाँ पर यूनिट लिख दिया जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ लिख देंगे एस पर यूनिट, यहाँ आ जाएगा एस पर यूनिट, वी पर यूनिट, एस पर यूनिट। अच्छा, ये ज़रूरी है, यहाँ पर यूनिट है तो इनटू भी सेल प्राइस भी पर यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है? और अगर अमाउंट में है, जैसे यहाँ पर सेल प्राइस है 200, तो इनटू 200, यहाँ भी 200 लिखा जाएगा और इनटू भी 200 का होगा। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 60 ली जाएगी, क्योंकि हम अमाउंट में बात कर रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में बात कर रहे हैं, 20 पेन के अमाउंट में बात कर रहे हैं, तो वो ही लिया जाएगा, ठीक है? फिर पर यूनिट ना तो सेल ली जाएगी ना वेरिएबल कॉस्ट ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये दोनों सेम होने चाहिए, ले रहे हो तो पर यूनिट लो, नहीं तो जो भी आपका जितने भी ज़्यादा यूनिट्स का है वो लो, करेक्ट? चलिए इसको थोड़ा सा क्रॉप करके रख लेते हैं, ये आगे भी काम आएगा, इतना है ना, ठीक। नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं इसको, इसको यहाँ सेट कर देते हैं। ये था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये हुआ हमारा अभी तक जो बात हुई, वो हुई ब्रेक इवन पॉइंट की और डिज़ायर्ड प्रॉफिट की। अब आते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या है ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशियो, सिंपल सी बात है। ये जो लाइन लिखी है इसके हिसाब से तो ये बन रहा है, इसका मीनिंग प्रॉफिट अपॉन
वॉल्यूम, ठीक है ना, यही तो बन रहा है इसका मीनिंग, प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशो। यहां पर पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां जो हम प्रॉफिट लेंगे वो प्रॉफिट होगा हमारा, ये जो ग्रॉस मार्जिन है ना, वो प्रॉफिट है हमारा ये ग्रॉस मार्जिन वाला, ग्रॉस प्रॉफिट वाला, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन, और वॉल्यूम क्या है, सेल्स, ठीक है ना, और रेशियो के लिए इनटू 100। सी को हम क्या लिख सकते हैं, एस माइनस वी भी लिख सकते हैं, अपॉन सेल्स इनटू 100, ये भी लिख सकते हैं ना। पर यूनिट में दिया हो तो एस पर यूनिट माइनस वी पर यूनिट अपॉन एस पर यूनिट इनटू 100, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक सॉल्व भी करके देखते हैं, कंट्रीब्यूशन इस वाली सीरीज पे सॉल्व करके देखते हैं, वन पैन वाले पे, ठीक है, फिर एक ज्यादा वाले पे भी करके देखेंगे। कंट्रीब्यूशन है आपका वन पैन में 7, सेल्स है आपकी 10 इंटू 100, ये आ गया आपका 70%, ठीक है। अब ज्यादा वाले पे भी सॉल्व करके देखते हैं, 100 पेन पर सॉल्व करके देखते हैं, तो आपका इसमें है कंट्रीब्यूशन है 700 और सेल है आपकी 1000 इंटू 100, ये भी आ गया आपका 70%, कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। ये पीवी रेशो सॉल्व हो गया, अभी आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले नेक्स्ट पेज के लिए। ये आ गया। अब एक टर्म आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम MOS भी बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स हम कितने मार्जिन से सेफ हैं, ठीक है, कितने मार्जिन से सेफ हैं। सेफ अनसेफ वाला पॉइंट कब होगा, जब हमारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चली जाएगी, और सेफ कब होगा, जब ब्रेक इवन से ऊपर चली जाएगी। तो अगर ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ ये हमारी ब्रेक इवन सेल है, मान लीजिए ये यहाँ, अगर हमने यहाँ तक सेल की, एक्चुअल सेल यहाँ तक हुई, तो इतने मार्जिन से हम सेफ हैं, इतने मार्जिन से हम सेफ हैं, समझ में आई बात। अगर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर है और इतनी ही सेल हुई, तो इतने से ही मार्जिन से सेफ हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ है और इतनी ही एक्चुअल सेल हुई, तो हम सेफ नहीं हैं, ठीक है ना, और इससे कम हुई तो हम अनसेफ हो गए, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MOS का, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्लियर, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल हमने पहले क्यों लिखी है, क्योंकि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये पॉजिटिव टर्म में बात करेगा, अगर हमारी सेल ज्यादा हो रही है बीईपी से, तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ मार्जिन की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि बीईपी से ऊपर कितनी सेल है हमारी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, चेक करते हैं, एक्चुअल सेल हुई है हमारी 1010 की, और ब्रेक इवन सेल हमारी कितनी आई थी, 1000 की, इसका मतलब हम 10 रुपीज से सेफ हैं, हम 10 रुपीज से सेफ हैं, हमारा MOS कितना है, 10 रुपीज, MOS कितना है, 10 रुपीज, क्लियर है। एक फॉर्मूला और है MOS का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखिए, सेम 10 रुपीज ही आएगा, ठीक। अभी आपको बताती हूं ये फॉर्मूला सारे ऑन टिप्स कैसे करने हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है,
स्टार्ट करते हैं सिंपल सी इक्वेशन से। अच्छा एक चीज और पहले समझिए, मैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बोल रही हूँ, तो मैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को भी तो कंट्रीब्यूशन बोल सकती हूँ। चेक कर लो कहीं भी, यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ सेल है हमारी 1000 और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 300, तो कंट्रीब्यूशन आया था 700। अब एफ प्लस पीटी करके चेक करते हैं, एफ हमारा क्या है 700 और प्रॉफिट है हमारा 0, तो भी 700। मतलब ये अगर कंट्रीब्यूशन है तो इन दोनों को प्लस करके भी कंट्रीब्यूशन के बराबर ही तो आ रहा है। क्लियर? एक और सीरीज से चेक करते हैं इसको, पहली वाली सीरीज से चेक कर लेते हैं। 10 -3 7 और -693 प्लस, सॉरी चलो ऐसे ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट बाद में लिख दिया मैंने, प्रॉफिट पहले लिख दिया है। प्रॉफिट क्या वो लॉस है जो कि, तो भी 7 आएगा। ठीक है ना? चलिए दूसरी सीरीज से चेक कर लेते हैं। सेल कितनी है 200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60, कितना आ गया 140। अब एफ फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर हमारी 700 प्लस माइनस में आएगा 560, तो भी आएगा 140। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, एस माइनस वी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एफ प्लस पी टी भी कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर ही है। ठीक है? ये नेक्स्ट जो समझाने वाली हूँ उसमें काम आएगा, इसलिए बताया। अब देखते हैं, एक सिंपल सी सीरीज है, एस इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी टी। अभी जो मैंने समझाया एफ प्लस पी टी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये बन गया एस इज इक्वल्स टू सी प्लस वी। ठीक है ना? एस इज इक्वल्स टू सी प्लस वी लिख सकते हैं इसको, इसको ये भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू एस माइनस वी, और इसको ये भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू एस माइनस सी। कोई डाउट? क्लियर है? सी इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो भी होता है, ये बहुत काम आएगा। सेल्स सी इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, और अभी एक ये जो यहां से सॉल्व किया था वो क्या था, सी इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी टी। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू सी माइनस पी टी, इसको ये भी लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल्स टू सी माइनस एफ। एनी डाउट? क्लियर यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपको एक ही बार में हो जाएगा। यहां पर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूलाज और यहां पर लेते हैं डिजायर्ड, DSIRED, डिजायर्ड सेल्स के फॉर्मूलाज। ठीक है? एक ही बार में दोनों हो जाएंगे। कैसे? कैसे होंगे? स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का, एफ अपॉन एस पर यूनिट माइनस वी पर यूनिट। ठीक है? सेम डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट प्लस कर देना और कुछ नहीं, एफ प्लस पी टी अपॉन सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ अपॉन एस पर यूनिट माइनस वी पर यूनिट इंटू एस पर यूनिट, सेल प्राइस का इंटू कर देता हूँ और कुछ नहीं। डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी टी अपॉन एस पर यूनिट माइनस वी पर यूनिट इंटू एस पर यूनिट। क्लियर?
अब आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जब ओवरऑल सेल दी हो इन यूनिट क्या रहेगा, एफ अपॉन एस माइनस वी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी टी अपॉन एस माइनस वी, क्लियर। अब आते हैं जब ओवरऑल सेल दी हो तो रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, इन रुपीज़, एफ अपॉन एस माइनस वी इंटू एस, डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी टी अपॉन एस माइनस वी इंटू एस, क्लियर। एक फॉर्मूला और बनता है ब्रेक इवन पॉइंट का, वो है जो कि बहुत काम आता है, एफ अपॉन पी वी रेशियो, बहुत काम आता है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिमिलरली, एफ प्लस पी टी अपॉन पी वी रेशियो, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पी वी रेशियो के फॉर्मूलाज पर, पी वी रेशियो के फॉर्मूलाज पर। फर्स्ट फॉर्मूला है एस पर यूनिट माइनस वी पर यूनिट, अभी समझाया था स्टार्टिंग में, डिवाइडेड बाय एस पर यूनिट इनटू 100। इसको हम सी अपॉन एस पर यूनिट भी लिख सकते हैं ना, कंट्रीब्यूशन ही तो है, एस माइनस वी ये भी लिख सकते हैं, और क्लियर। एक, अब ये तो हो गई पर यूनिट में अगर सेल दिया है, पर यूनिट में अगर वेरिएबल कॉस्ट दी है तो, ओवरऑल दी है तो क्या करेंगे, एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, करेक्ट। एक फॉर्मूला और बनता है पीवी रेशो का, वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, सिंपल है, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है 30% तो पीवी रेशियो हो जाएगा 70%, जो जैसा भी दिया है माइनस करके आप पीवी रेशियो या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, अगर 2 पीरियड का प्रॉफिट और 2 पीरियड की सेल गिवन हो क्वेश्चन में, तब फॉर्मूला बनेगा पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ठीक है, इंटू 100। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है ये, आपका होमवर्क भी है, जो सीरीज हमने सॉल्व की है उसमें चेंज इन प्रॉफिट, कोई भी 2 ईयर के प्रॉफिट और कोई भी 2 ईयर की सेल से इस फॉर्मूला को सॉल्व करना और देखना 70% पीवी रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट बचता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एम ओ एस, ठीक है, एम ओ एस, बड़ा ही सिंपल है, मार्जिन चेक करना है कितने मार्जिन से हम सेफ हैं। तो कैसे चेक करेंगे, बीईपी सेल में से टोटल एक्चुअल सेल माइनस करके पता चल जाएगा हम कितने मार्जिन से सेफ हैं, राइट। एक फॉर्मूला और है एमओएस का, जो है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बस अभी आपको यहां यहां से सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे, ये तो सिंपल सीरीज बड़ा काम में आएगी, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको लर्न करना है और एक ये लर्न करना है, ये तो आपको पता ही है, एस इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी टी प्लस वी, यही होता है सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, ठीक, इसको और लर्न कर लेना। नेक्स्ट बीईपी और डिजायर्ड सेल, बीईपी के फॉर्मूला, इसमें भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एफ अपॉन एस माइनस वी है, अब इसको रुपए में निकालना है तो इंटू एस कर दो, नहीं निकालना है तो इतना ही रहने दो, पर यूनिट में दिया है तो यहाँ पर यूनिट लगा दो, यहाँ पर यूनिट लगा दो, नहीं दिया है तो मत लगाओ, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करने हैं, एफ अपॉन एस माइनस वी, और एक ये फॉर्मूला याद करना है एफ अपॉन पी वी रेशो, ये 2 फॉर्मूला याद करने से आपके डिजायर्ड फॉर्मूला के, डिजायर्ड सेल के भी फॉर्मूला
क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीवी रेशो। पीवी रेशो में सिंपल मैंने आपको बताया था एस माइनस वी अपॉन एस, कुछ नहीं है, एस माइनस वी अपॉन एस, इसी को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये पर यूनिट में दिया हो तो पर यूनिट में ले लो, रुपीस में दिया हो तो रुपीस में ले लो, बस इसका ये याद रखना है वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और एक याद रखना है, अगर टू ईयर के टू टाइम पीरियड के आपको सेल और प्रॉफिट दिए हो तब यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसको और याद करना है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, और ये एग्जाम में भी बहुत आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बचता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बड़ा ही सिंपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, हम कितने मार्जिन से सेफ हैं, सिंपल ब्रेक इवन सेल से टोटल एक्चुअल सेल माइनस कर देने से हमको पता चल जाएगा हम कितना सेफ हैं। एमओएस का एक फॉर्मूला और है, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, करेक्ट। चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।